जो राम को लाए हैं कृष्णा को भी लाएंगे, जो राम को लाए हैं कृष्णा को भी लाएंगे, इस बार उसी को फिर, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, दुख दर्द वही सारे हम सब के मिटाएंगे, दुख दर्द वही सारे हम सब के मिटाएंगे, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, जो राम को लाए हैं कृष्णा को भी लाएंगे, जो राम को लाए हैं कान्हा को लाएंगे, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, वादा है किया जो भी वो सामने आएगा, वादा है किया जो भी वो सामने आएगा, है उसने किया जो भी कोई कर नहीं पाएगा, है उसने किया जो भी कोई कर नहीं पाएगा, शिक्षा मंदिर दोनों को वो साथ चलाएंगे, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, जो राम को लाए हैं कान्हा को भी लाएंगे, जो राम को लाए हैं कृष्णा को भी लाएंगे, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, जो खुद ना खाते हैं ना खाने देते हैं, जो खुद ना खाते हैं ना खाने देते हैं, बस यही कष्ट है जो वो सबको देते हैं, बस यही कष्ट है जो वो सबको देते हैं, बस इसी बचत को वो, बस इसी बचत को वो हम सब पे बिठाएंगे, बस इसी बचत को वो हम सब पे लुटाएंगे, योगी बाबा को ही गद्दी पे बिठाएंगे, जो राम को लाए हैं कृष्णा को भी लाएंगे, जो राम को लाए हैं कृष्णा को भी लाएंगे, इस बार उसी को हम गद्दी पे बिठाएंगे, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, अब तक ऐसा नेता ना हुआ है ना होगा, अब तक ऐसा नेता ना हुआ है ना होगा, बैठा सिंहासन पे पहने भगवा चोगा, बैठा सिंहासन पे पहने भगवा चोगा, हम उसकी ताजपोशी, हम उसकी ताजपोशी फिर से करवाएंगे, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, जो राम को लाए हैं कृष्णा को भी लाएंगे, जो राम को लाए हैं कान्हा को भी लाएंगे, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे, इस बार उसी को फिर गद्दी पे बिठाएंगे। राम नरेश तिवारी। राम नरेश तिवारी, क्या लगा, कैसा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा है, हाँ हम लोग बहुत खुश हैं, और जितना ही आगे बढ़िया है बहुत अच्छा है। आपके क्षेत्र में अभी तक जैसे आपकी घर की लड़की गाना गा रही है, कोई ऐसी प्रतिभा निकल के आगे आई है कि अभी तक नहीं आई है? आप कितनी उम्र हो गई अभी तक? अब 70-75 के करीब है। 70-75, लेकिन आपने जैसे जिस तरह आपकी घर की लड़की गाना गा रही है, आपके आर बगल क्षेत्र में कोई ऐसी लड़की सॉन्ग आपने गाते सुना अभी? नहीं नहीं, कोई नहीं, ऐसा कुछ नहीं सुना। हाँ ऐसा कुछ नहीं, नातनी है हमारी और बहुत अच्छी स्टैंड बजाए, हम बहुत खुश हैं। खुश हैं आप? बहुत खुश हैं, मतलब खुशी इस बात की है कि अभी तक आपके क्षेत्र में कोई ऐसा मतलब हुआ नहीं, और आपके घर की लड़की जो है आपकी नातिन मतलब ऐसा गाना गा रही है, तो कहीं ना कहीं खुशी तो हाँ है भाई। आजकल की लड़कियां जो हैं वो अगर वो आगे नहीं बढ़ेंगी, फौज में जा रही हैं, पुलिस डिपार्टमेंट में जा रही, देश की रक्षा कर रही हैं, बॉर्डर पर
तैनात हैं हैं, वो भी लड़कियां हैं, वो भी किसी घर की बच्चियां हैं हैं, तो इनको अगर हम दबोच के रखेंगे, जीवन भर इन लड़कियों को दबोच के रखा गया है हैं, ये घर से बाहर नहीं निकलने दिया जाता था हैं, आज वो दुनिया नहीं है, आज सब शिक्षित लड़कियां हैं, पढ़ी लिखी लड़कियां हैं हैं, और अपने पर भी गर्व करती हैं हैं, इसके साथ साथ हम लोग इनका मनोबल बढ़ाते हैं।